इस विमान में 4 बच्चों सहित 181 लोग सवार थे। वहीं दूसरा विमान दुबई से चलकर केरल के कोझीकोड में उतरा। इस विमान में 5 बच्चों सहित 182 लोग भारत वापस आए। छात्रों ने उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया। थैंक यू इंडिया गवर्नमेंट एंड एम्बेसी मोका केरला गवर्नमेंट एवरीवन। इन इंडिया इट्स बीइंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू दिस। वी हैड आवर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आवर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑफ कोर्स our Ministry of External Affairs, who all work together to make this start, and we hope that this process carries on smoothly. विदेशों से भारतीयों को वापस लाए जाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देर रात ट्वीट करके सभी भारतीय सऊदी दूतावासों के अधिकारियों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि विदेशों से लाए गए सभी लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे। ये रोवर यात्रा रूट, रक्षा मंत्री सेड दैट दिस रूट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड विल ब्रिंग डेवलपमेंट इन द विलेजेस ऑफ द वैली। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा एक हफ्ते के अंतराल में ही मोटर मार्ग द्वारा पूरी की जा सकेगी। अब इस यात्रा में मेजर ट्रैवल यानी 80% से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 84% यात्रा भारत में और 20% से भी नीचे चीन।